अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं अभी इस वक्त मैं दिल्ली दरवाजे में, मेरे साथ एक भाई हैं, वो आतिफ भाई, हमें कुछ बताएंगे दिल्ली दरवाजे के बारे में। अभी इनसे आप इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंदरून शहर के लोग जो से होते हैं उनको ही अंदरून शहर का पता है। जो पढ़ के रट के आए होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि अंदरून शहर क्या चीज़ है और क्या अंदरून शहर में खसूसियात है और क्या क्या चीज़ें हैं अंदरून शहर में। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली दरवाजा जो हम देखें, ये दिल्ली दरवाजा, ये दिल्ली की तरफ इसका रास्ता है, तो इस चीज़ को दिल्ली दरवाजे के नाम से बिल्कुल बताया गया है। और लाहौर के जो 12 गेट हैं, वो 12 गेटों में से ये 5वां गेट है दिल्ली दरवाजा, जो कि यकी गेट की दिल के साथ है। और बाकी आप ये दिल्ली दरवाजा इसलिए फेमस है और ये दिल्ली जो सा दिल्ली गेट है, इंडिया का दिल्ली है, उस गेट से ये मुशावत रखता है कि दिल्ली गेट। और बाकी आप देख सकते हैं इसके साथ शाही हमाम भी है और आगे इसके साथ लाहौर की सबसे बड़ी अपनी मंडी जहाँ पे ये जो से अनाज वगैरह जो सब मिलता है वो है। और बाकी आपको भी और भी दिखाएंगे, देख लें, अगर आप हमें हमारे साथ बैठ जाएंगे तो हम आपको जरूर। ये शाही हमाम है, ये देखिए शाही हमाम ये अकबरी मंडी है, साथ ही ये देखो शाही इमाम है। और अभी तो फिलहाल बंद है लॉकडाउन की वजह से। ये देखिए शाही इमाम अभी फिलहाल बंद है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, बाकी ये दिल्ली दरवाजे के बारे में ये हमारे साथ जो भाई हैं आपको ये तफसील से तफसील से बताएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जैसे हमारे पाकिस्तान में या किसी को शाहिया खिलाते हैं या वो आपको शाहिया खाना है, तो ऐसे ही शाहिया हमाम है जो बादशाह वगैरह थे वो अपने लोगों को खिलाते थे, खाना वगैरह खिलाते थे। जैसे कि ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, आप ये मस्जिद देख रहे होंगे कि ये वज़ीर जो से थे, बादशाह वज़ीर थे, ये बड़ी जो तरीकी जगह होती है वो है ये। आप ये आप देख सकते हैं, आप व्यू में भी आपको सब भाई दिखा रहे होंगे। तो ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है, ठीक है, और ये भी बादशाह की तमीर की हुई मस्जिद है। और इनमें से और भी एक मस्जिद है जिसका नाम है बेगम शाही, जैसे वज़ीर ख़ान जो थे वो वज़ीर ख़ान के नाम से बादशाह की बनाई गई मस्जिद है। आगे बेगम शाही है जो बादशाह ने ही अपने नाम बीवी के नाम से बनाई है मस्जिद, जो बड़ी तारीखी है। और अभी आप देख सकते होंगे व्यू में काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे मीनार हैं। और ये एक अंदरून शहर की एक रश वाली क्राउड वाली जगह में मस्जिद तबीर है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इसको इससे पहले काफ़ी शॉपें थी, दुकानें थी, अभी वॉल सिटी ने इसको खाली करवा लिया और इसको बिल्कुल उन्होंने खाली करवा के तो इसको एक सारे खदीमा में दिया है। मीन के कि आप देखेंगे बिल्कुल साफ है, कोई दुकान। और ये साउथ की मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, मार्केट पाकिस्तान मार्केट, पंजाब सेंटर और काफ़ी यूके सेंटर, ये साउथ की सबसे बड़ी मार्केटों में से मार्केट जानी जाती है। और
बड़े इधर कपड़े का व्यवहार होता है, लोग खरीद फरोख करते हैं। इसमें से बड़ी तरीकी जगह है, इन मार्केटों में भी तरीकी जगह है। जैसे कि आपको आगे दिखाना चाह रहा हूँ कि आगे एक मंदिर है, ठीक है। इंदौर शहर में मंदिर भी बहुत हैं, जैसे कि रजीत सिंह की मणि हो गई, उसके बाद ये भी एक रजीत सिंह की जगह है, जो से जिसे कहा जाता है कि सिखों के जो से होती है इबादत का। ये आपको ये नज़र आ रही होगी, ये वाइट वाइट से नज़र आ रही होगी, तो ये भी गिरजा है जहाँ के जबकि सिख आरती आती हैं अपने गुरु की इबादत करने, तो हर साल अपने गुरु की जन्म में आते हैं, तो ये सिख इधर भी आके ना गिर आते हैं अपनी इबादत करने के लिए और अपने गुरु के अपने काम आने के लिए। जैसे कि आप ये दिखा रहे हैं कि ये भी एक ना मार्केट में से, ये भी पुरानी जगह है जो लोग बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों आते हैं इधर से। और बाकी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आगे हम चूना मंडी चौंक, चूना मंडी जब ये आज से जब मुग़लों के दौर में इधर चूने का व्यापार होता था, ये चूना मंडी चौंक है और ये हमने आज साथ ही टर्न किया है। तो हम आगे हैं शेरांवाला गेट में हम रवा दावा है, ठीक है। ये भी जो शेरांवाला गेट है, ये भी बहुत तरीकी जगह है और लोग यहाँ पे भी जो थे जब पुराने ज़माने में, ठीक है ना, उन्होंने पुराने ज़माने के जैसे ही घर हैं ये पुराने ज़माने में डेकोरेट किए हुए हैं, ठीक है ना, और ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन ये सारे जो से जब ये तैयार हुए थे बिल्कुल ऐसे ही थे, ठीक है ना। अब लोगों ने तोड़ के उसको लकड़ी की जगह टाइलों पत्थरों से वैसे ही सजाया है, और आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो ये भी पुराने दौर का स्टैच लगाया हुआ है। कपड़े की मार्केट है, साउथ की सबसे बड़ी मार्केट है। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सा कि नबीनों का स्कूल है, पूर हाउस मीन एक पूर हाउस है, और ये नबीनों का स्कूल है। यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नबीने जो से हैं, अपने नबीने आते हैं, वो इधर से तलीम हासिल करते हैं। और ये बहुत बड़ा स्कूल है शेरांवाला गेट का, ठीक है। और बाकी ये तारीखी जगह आपको दिखा रहे हैं कि ये 12 गेटों में से तीसरा गेट है। जैसे कि स्टार्ट में आता है कि रोशनाई गेट मस्ती गेट, कश्मीरी गेट, उसके बाद यकी गेट, उसके बाद दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है, और शेरांवाला गेट। ये ऐसे गेट हैं, सात गेटों के गेट हैं, जो लाहौर जिसमें समा था, जो मेन लाहौर है वो इस 12 गेटों में है। और बाकी आपको और बताएंगे कि ये सामने शेरांवाला गेट में आए हैं। ये गेट अब गेट है, लेकिन लोगों ने इस गेट को संभाल के रखा है, लेकिन ये इधर अब कारोबार वसी है। और अब तो ईद की छुट्टियाँ हैं, आपको रश नज़र आएगा जब ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, तो इधर तो पैर रखने की जगह भी नहीं। तो गाइस ये बता रहा हूँ कि ये है शेरांवाला गेट। जैसे कि तारीखी इलाकों में 12 गेट होते थे और ये गेट बंद होते थे, इनका एक टाइम होता था। और बादशाह के दौर में ये शेरांवाला गेट जो सा ये गेट है आप नज़र आ रहा होगा आपको, इसी तरीके से दौर में ये बंद भी होते थे, और इसलिए लाहौर का टाइम होता था जो लोग गेटों में बंद होते थे, गेट खुला होता था, लाहौर इसलिए समझता नहीं है। तो ये भी गेट है, और ये गेट का इसका नाम है कि ये कश्मीर के रूप में करता है।
लाहौर में और ये जो 12 गेट हैं इनके कुछ नाम जो से रुख के नाम की वजह से रखे हैं, जैसे कि दिल्ली गेट दिल्ली की तरफ है और जैसे ये गेट कश्मीर की तरफ है तो कश्मीरी गेट है। ये सारी मार्केट जो सी है ना आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ये मार्केट बन चुकी है। और ये नीचे जो देख रहे हैं तरीही नाला है जो बादशाह के दौर में नाला चलता था, ये नाला है। ये सारे नाले इकट्ठे होके तो ये रावी तक जाते हैं, रावी तक जाते हैं। और बाकी आपको एक और गेट इसके साथ ही जुड़ा है जिसका नाम है मस्ती गेट। उस मस्ती गेट में मेट्रो हो चुकी है कश्मीरी गेट से निकल कर और ये आप देख रहे हैं ये मस्ती गेट, ये मस्ती गेट साथ ही बिल्कुल शूज मार्केट शुरू। और ये देखें आप देखेंगे यहाँ भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और लाखों करोड़ रुपए के लोग बिजनेस करते हैं, लोग दुनिया से दूर 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 से आते हैं और यहाँ से अपने व्यापार करते हैं और अपना माल वगैरह खरीद करते हैं। गाइस ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे है मस्ती गेट, मस्ती गेट जो छोटी होने की वजह से यहाँ से गेट उतार दिया गया, ये उन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन इसकी जो एंट्रेंस है ये गवर्नमेंट गर्ल स्कूल है, ठीक है, और यही गेट की तरीके की गेट यहाँ पर ही था। और ये जो ग्रीन बैंड आपको नज़र आ रही है ये लाहौर गेटों की जान है, मतलब ये सीन चीज़ें हैं। लाहौर में जितने भी गेट हैं उनके साथ ये ग्रीन बैंड जरूर है और लोगों ने हर गेट के साथ ग्रीन बैंड है और लोगों ने इसमें पिकनिक पॉइंट भी बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे घूमना फिरना बच्चों को सैर वी करवानी, मतलब कि घर से आके ग्राउंडों में बैठ जाना और सुबह की वॉक करनी, और लोग बहुत तादाद से आते हैं। जैसे आप बता दिखाना चाह रहे हो कि इधर गवर्नमेंट ने भी इधर बहुत तवज्जो की है। जी गाइस हम मस्ती गेट के इलाके में हैं, मीन गेट के मस्ती गेट में घर में हैं और ये हम बुज़ुर्ग हैं, ये जैसे सैयद फजल हुसैन शाह साहब ये जो थे बुज़ुर्ग थे, ये रजीत सिंह और उनके ये वो उनके मरीज थे। और देखा जाता है किताबों में भी है कि ये जो बुजुर्ग थे ये लाखों करोड़ों रुपए के इनके ऊपर जो से थे ना वो जेवरात और ताज और पता नहीं क्या क्या देते थे। बल्कि आप ये मैंने ये भी सुना है कि ये बुज़ुर्गों के जब वो कहते थे तो तब वो जो बादशाह थे वो खाना खाते थे और उसके बाद लाखों रुपए का जेवर दान देते थे, लेकिन ये बुज़ुर्ग वापस दे देते थे। और दीनानाथ के बारे में स्टोरी है, ये कब्रिस्तान है और बहुत बहुत पुराना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बड़े से पुराना है, मतलब कि 400 साल का ये कब्रिस्तान है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बुज़ुर्ग हैं ये जो से सैयद फजल हुसैन शाह साहब, ये जो से रजीत सिंह थे इनके मरीज थे और किताबों में भी इनके काफ़ी जिक्र है। और ये जो से बुज़ुर्ग थे इन्होंने रजीत सिंह ने ही और इनको ये जगह जो सी थी गिफ्ट की थी। इसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता। अंदरून शहर जो सा है वो ज़्यादातर ना बलियों ओरियों और नाम से भी ज़्यादा बहुत बड़ा हुआ है और बाकी आप इसका मंजर देख रहे होंगे। और ये एक छुपी सी जगह है, मतलब कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छुपी सी जगह है, लेकिन सारी चीज़ ये जो सा हकीकत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रजीत सिंह जो से थे किले के बादशाह, ठीक है, वो उन्होंने इनको ये गिफ्ट की था जगह और उन्होंने उसके बाद इनको उसी वक्त की है और अपने बुज़ुर्ग माना इनको। और इन बुज़ुर्गों ने भी बहुत मुसलमान किए हैं। और जैसे भी आपको बताना चाह रहा था कि लाहौर जो है वो औलिया ग्राम और बुज़ुर्गान से भरा हुआ है, उनके मज़ार भी हैं, जैसे कि मस्ती गेट में ये जो आपको मैं मज़ार दिखा रहा हूँ ये मज़ार फजल हुसैन शाह साहब का ये